नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi के Note 9 Pro Max के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस Redmi Note 9 Pro Max के कुछ कवर दिखाऊंगा जो बैक कवर हैं दोस्तों, और आपको बताऊंगा कि आपके लिए दोस्तों कौन सा कवर बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro Max है या फिर Redmi Note 9 Pro है तो दोस्तों आपके लिए कौन सा कवर बेस्ट रहेगा जो आपके फ़ोन को एकदम प्रोटेक्ट रख सके, जिससे आपके फ़ोन के दोस्तों डिस्प्ले है, जो दोस्तों बैक पैनल है या फिर जो कैमरा है वो एकदम सेफ रहे। दोस्तों आज मैं आपके सामने कुछ कवर को दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको अपने फ़ोन के लिए किस तरह का कवर लेना चाहिए जिससे आपका फ़ोन एकदम सेफ रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल दबा दें, जिससे जब भी वीडियो यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपके लिए कुछ केस दिखाता हूँ। दोस्तों, जो है मेरे पास Redmi Note 9 Pro Max, इसके कवर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए कौन सा कवर लेना चाहिए, कौन सा कवर आपके लिए इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये जो कवर है, ये वाला, ये एक टीप यू कवर है जो आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जो दोस्तों एक नॉर्मल कवर होता है जिसमें आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी अगर आप इसमें अपने फ़ोन को लगाते हो। तो दोस्तों, आपका फ़ोन ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी नॉर्मल होता है, देख लीजिए, ये बिल्कुल भी आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, एकदम मुलायम होता है। इसमें आपको कैमरा भी दोस्तों सेफ नहीं है, ये देखिए कैमरा दोस्तों बाहर तक निकला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस कवर को यूज़ करते हो तो आपका जो फ़ोन है बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके लिए कौन सा कवर लेना चाहिए, कौन सा कवर इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो कवर है जो मैंने आज ही लिया है मार्केट से, और इसको मैंने अभी यूज करके भी देखा था, इस पर स्क्रैच जाना है। तो दोस्तों, इस अगर आप इस पर अपने नाखून से इस तरह स्क्रैच करते हो तो इस पर स्क्रैच आ जाते हैं, बट दोस्तों काफ़ी अच्छा कवर है, काफ़ी हार्ड भी है। देखिए इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छी बात ये दी गई है कि इसके अंदर दोस्तों ये जो साइड से चारों कोने पर निकले हुए हैं, इसके चार कोने निकले हुए हैं, इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन को इस तरीके से रखोगे ज़मीन पर तो आपका फ़ोन इन पत्तियों के ऊपर टिक जाएगा, आपका जो कैमरे वाला हिस्सा है ये ज़मीन से नहीं टकराएगा और आपका जो कैमरा है दोस्तों एकदम सेफ रहेगा। और उसके बाद दोस्तों जो पैकेज है दोस्तों जो काफ़ी हार्ड है, तो बाई चांस अगर आपका फ़ोन गिर भी जाता है ऐसे या फिर किसी भी तरीके से तो आपके फ़ोन पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपके फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा, बिल्कुल भी प्रोटेक्ट करके आपके फ़ोन को जो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो अगर आपका फ़ोन गिर जाता है, बाई चांस आपके हाथ से छूट जाता है, तो आपके फ़ोन के टूटने के चांस काफ़ी कम रहेंगे। तो मैं आपको इस कवर के अंदर इस फ़ोन को लगा के दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से आइडिया मिलेगा। दोस्तों, इस कवर का नाम होता है स्मोक केस, जो कि दोस्तों आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप अपने मार्केट में जाओगे तो आपको बोलना है कि हमें स्मोक केस दिखा दो, तो जो दुकानदार होते हैं वो आपको स्मोक केस नाम से इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे फोन कवर जो है दोस्तों दिखाएंगे। दोस्तों देखिए, इसमें भी आपका कैमरा उस ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है, बट दोस्तों आप इस फोन में, इस कवर में आपका जो कैमरा है जो आपका टीवी बुक है उससे कहीं ज़्यादा हद तक अंदर की तरफ ही देखिए। और प्लस दोस्तों, ये काफ़ी हार्ड भी है, और जब आप इसे रखोगे इस तरीके से तो ये देखिए, आप यहाँ से समझ सकते हो कि इसके जो ये नुक्रिकली हुई है ये वाली, ये पूरा फ़ोन दोस्तों इन्हीं के ऊपर टिक जाएगा जब आप ज़मीन पर रखोगे इस तरीके से। ये जो हिस्सा है ज़मीन से नहीं टकराएगा तो आपका फ़ोन अच्छी तरीके से सेफ रहेगा, आपके कैमरे के ऊपर स्क्रैच नहीं आएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको एक और कवर दिखाता हूँ जो दोस्तों जो वो भी स्मोक नाम से याद आए, उसमें आपको क्या डिफरेंस मिलेगा इस कवर के अलावा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसमें से निकालता हूँ, फिर आपको उसको दिखाता हूँ। ये काफ़ी हार्ड होता है। तो दोस्तों, दूसरा कवर आता है, ये भी स्मोक नाम से आता है, ये देखिए, ये भी काफ़ी, ये भी दोस्तों काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम पर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो हिस्सा है ये भी सेम उसी तरीके से है, बट इसकी जो डिज़ाइन है दोस्तों वो थोड़ी अलग है। ये देखिए, इसका दोस्तों कैमरे वाला हिस्सा है, ये एकदम आपके कैमरे को एकदम सेफ रखेगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए। अब दोस्तों, आपका जो कैमरा है वो एकदम सेफ है, चाहे आप इसे ऐसे रखो चाहे कैसे भी रखो, बट दोस्तों इसमें इनकी जो सिरे की नुक होती है वो इसमें नहीं दी गई हैं, तो जब आप इसे ज़मीन पर रखोगे तो ये थोड़ा उठा हुआ सा रहेगा कैमरे की वजह से, लेकिन दोस्तों आपको जो कैमरा है वो एकदम सेफ रहेगा। तो दोस्तों, जे कवर भी स्मोक नाम से आता है, जब आप दुकानदार से बोलोगे तो वो जो अभी मैंने आपको दिखाया था जे वाला कवर, और जे इस तरीके से कई डिज़ाइन दिखाएगा आपको,
जो दोस्तों स्मोक नाम से आती हैं। और ये दोस्तों ये हर मॉडल में मिल जाएगा, अगर आपके रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स है या फिर कोई और मॉडल है तो ये आपको सभी तरह के मॉडल में मार्केट में मिल जाएगा, जिसका नाम दोस्तों स्मोक कवर नाम से आता है। अब दोस्तों की प्राइस की बात करें तो दोस्तों नॉर्मली ये कवर आपको 100 से 120 125 रुपये तक देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इन्हें ऑनलाइन मंगाओगे तो ये आपको 150 या 200 रुपये तक का मिलेगा। बट दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई फ़ोन है जो दोस्तों लेटेस्ट फ़ोन है, लेटेस्ट डिवाइस है, तो आप अपनी मार्केट से जाके कह सकते हो, आपको सिर्फ स्मोक नाम से कवर बोलना है और दुकानदार आपको इस तरह का कवर दिखाएगा। दोस्तों आपके आसपास मार्केट में जो आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि दोस्तों जो कवर है आपको हर जगह मिल जाएंगे, आप किसी भी सिटी से हों, कहीं से भी हों, आपको ईजिली जगह मिल जाएंगे जिसकी दोस्तों प्राइस 100 से 125 रुपये के बीच रखी गई है, जिसमें दोस्तों आपका फ़ोन जो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मल केस होते हैं जो वाले फ़ोन के साथ आते हैं, जो सिर्फ नाम के कवर होते हैं, आपको इनमें बिल्कुल भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि आप Redmi Note 9 Pro Max में या फिर Redmi Note 9 Pro में किस तरह का यूज़ कर सकते हो और ये कवर आपको कितने प्राइस पर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।